हमें क्या लगता है भाई जैसे हमने मूवीज देखी हैं जैसे आप जेम्स बॉन्ड की बात कर लीजिए तो हम जो है ज्यादातर ऐसे कैरेक्टर्स देखते हैं जो कि एक सीक्रेट एजेंट हो या डिटेक्टिव हो तो वो बहुत ही वेल well बिल्ट होते हैं उनकी बहुत ही अट्रैक्टिव सी पर्सनैलिटी होती है थिन स्लेंडर होते हैं परफेक्ट होते हैं और उनके हाथ में ज्यादातर यू नो गन पिस्टल वगैरह आपको दिख जाएगी बट ये जो सीक्रेट एजेंट है हमारे जो मेन कैरेक्टर है ऑफ द स्टोरी ही इज क्वाइट डिफरेंट इन हिज अस फ्रॉम वट नॉर्मली अ सीक्रेट एजेंट लुक्स लाइक ये जो है बहुत फैट से मैन है लिटिल लेस देन टॉल वी कैन से और ये जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बहुत ही अट्रैक्टिव सी पर्सनालिटी है इसकी या फिर यू you नो know, बिल्कुल स्लेंडर सी बॉडी है वेल well बिल्ट हो बिल्कुल भी नहीं तो इनके साथ जो है द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ हु इज यंग राइटर जिसका नाम है फाउलर राइटर तो उसको लगता है you know, कि मैं sort of, एक time spend करूंगा, तो मैं एक इमेजिनेटिव स्टोरी लिख सकता हूं बेस्ड सीक्रेट एजेंट बट वेन ही स्पेंड्स टाइम विद कैरेक्टर ही इज डिसअपॉइंटेड क्योंकि नॉर्मली जितना फाउलर ने राइटर है उन्होंने पढ़ा है अबाउट सीक्रेट एज This character is totally different from what a normal secret agent looks like.

पेपर एक रिपोर्ट है कौन ऑसिबल फाउलर को अबाउट दिस रिपोर्ट दे रीच टू देर होटेल रूम एंड वेन दे एंटर द रूम देयर इज दिस विजिटर जिसके बारे में हमारे स्टोरी का टाइटल है द मिड नाइट

ये टाइप्स दिया हुआ है इन दिस बुक वी विल रीड दैट एंड देन वी विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी व्हिच इज द मिडनाइट विजिटर तो हमारे जो ऑथर हैं हु इज रॉबर्ट आर्थर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत ज्यादा फेमस हैं अपनी डिटेक्टिव स्पाई, यू नो थ्रिलिंग बिल्कुल एडवेंचरस स्टोरीज के लिए नाउ लेट्स रीड अ लिटिल मोर अबाउट द ऑथर रॉबर्ट आर्थर वाज एन अमेरिकन राइटर ऑफ मिस्ट्री एंड स्पेकुलेटिव फिक्शन अब यहाँ मिस्ट्री तो आपको भी पता है यू नो बिल्कुल में ही या सब कुछ ऐसा कि ऐसा लगता है कि थोड़ा यू नो सस्पेंस है कि आगे क्या होगा ऐसी सॉर्ट ऑफ स्टोरीज के लिए ये फेमस है फिर जो दिया हुआ है स्पेक्यूलेटिव फिक्शन इट मींस कि एक रियल वर्ल्ड से हटके एक इमेजिनेशन क्रिएट करना विच इज यू नो वेरी इंटरेस्टिंग जिसमें आपको यूं लगता है कि अब आगे क्या होगा सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री बोल सकते हो विद दिस वर्ड आल्सो तो फिक्शन फिक्शन मींस व्हाट विच इज नॉट रियल तो ये जो ऑथर हैं रॉबर्ट आर्थर ही इज वेरी फेमस फॉर हिज इमेजिनेटिव थ्रिलर्स हिज फेम रेस्ट ऑन द मिस्टीरियस ट्रैवलर रेडियो सीरीज़ अब ये जो हमारे ऑथर हैं इनका फेम यानी ये सबसे ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए हुए थे इनकी जो सीरीज़ हैं जिसका नाम था द मिस्टीरियस द मिस्टीरियस ट्रैवलर रेडियो सीरीज़ थ्री इन्वेस्टिगेटर्सिज ऑफ नॉवल्स और इनकी जो नॉवेल्स हैं जो बुक्स हैं जिसका नाम क्या है थ्री इन्वेस्टिगेटर्स वो भी इनकी बहुत ज्यादा फेमस है तो जैसे कि नाम पढ़ पा रहे हो समझ आ रहा है कि रॉबर्ट आर्थर जो है बेसिकली अपनी मिस्टीरियस स्टोरीज डिटेक्टिव स्टोरीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है His stories were published in many magazines between 1930 and 1940. तो so, ये जो time period था 1930 से 1940 के बीच इनकी stories बहुत ज्यादा magazines में भी publish होती थी He also wrote mystery books for children. और बच्चों के लिए भी इन्होंने बहुत सी मिस्ट्री बुक्स लिखी हैं और ये जो एक स्टोरी हमको गिवन है दिस इज ऑल्सो मिस्ट्री स्टोरी फॉर अस राइट ऑल राइट ही वॉज टाइज ऑनर्ड बाय द मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका और इनको एक बार नहीं बल्कि दो दो बार अवॉर्ड किया गया है विद द टाइटल विच इज मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका

सो दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दर जिसे हमें पता चले भाई की जो ये स्टोरी है वो लिखी किसने है नॉ लेट्स रीड जस्ट वन लाइन क्योंकि ज्यादा हम पढ़ेंगे तो सस्पेंस यू नो खत्म हो जाएगा इस स्टोरी का सो so, बेसिकली ये पूरी स्टोरी जो है वो किस बारे में है द मिड नाइट विजिटर इज अ स्टोरी अबाउट द विटी सीक्रेट एजेंट

But when we see the way he uses his presence of mind, he uses his cleverness to outwit his enemy. Then we will chalega ki this secret agent, who is possible is a very witty, very clever. Hai. And because of his mind and brain, he can, you know, outwit anybody in the world. So let's now begin with the very first paragraph. But before that, we have been, you know, asked a question in this book. So let's go through that, and then we will begin with the story.

तो सेम वे में यहां पर जिस चीज पे बेस्ड ये पूरी स्टोरी है दैट इज अ रिपोर्ट एंड द सीक्रेट एजेंट हु इज इज ही एक्सपेक्टिंग टू गेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद डिमांडिंग द रिपोर्ट और अब इसमें जो है एक सीक्रेट एजेंट नहीं दूसरा सीक्रेट एजेंट भी है जो कि है मैक्स नॉ दिस इज दिस मैन इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम रिपोर्ट एज एक्सपेक्टेड राइट तो यहां पर जो मेन कैरेक्टर है ऑसिबल वो भी इस रिपोर्ट को ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो दूसरे इनके एनिमी हैं जो कि अनादर सीक्रेट एजेंट है इन द स्टोरी ही द द सेम रिपोर्ट डज हिम नाउ बिफोर वी बिगिन स्टोरी हमसे पूछा गया यू you नो know, कि क्या लगता है आपको कि ऑसिबल जो है क्या वो यू नो यूजिंग हिज माइंड हिज क्लेवरनेस विल बी सक्सेसफुली एबल टू यू नो आउट हिज एनिमी जो कि है मैथ्स so, हमें इतना ज्यादा नहीं भी पता नहीं है स्टोरी exactly में सो वी रियली एबल टू आउट मैथ सो टू नो दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन स्टोरी सो ना लेट्स बिगिन विदरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट

कि ही इज अ रोमांटिक राइटर यानी रोमांटिक का मतलब यहां पर क्या है कि एक इमेजिनेटिव राइटर्स जो होते हैं से हटकर एक को कर लेते हैं उन राइटर्स की यहाँ पे बात हो रही है तो फाउलर इज अ राइटर हुई विथ भाई टू कैरेक्टर्स वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ सो ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर है फाउलर राइटर है तो ऑब्वियसली उसकी यू नो रीडिंग की हैबिट होगी तो इसने ऑलरेडी स्पाइज डिटेक्टिव नो सीक्रेट एजेंट्स इनके बारे में पढ़ रखा है बट वेन ही मीट्स ऑसिबल तो उसको लगता है ऑसिबल जो है बिल्कुल भी उस सीक्रेट एजेंट के जो डिस्क्रिप्शन होता है जो यू नो नोशंस होते हैं कि वट अ सीक्रेट एजेंट मस्ट लुक लाइक उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं

लॉन्ग पैसेज इन अ बिल्डिंग फ्रॉम विच डोर्स लीड इन टू द रूम फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो एक पूरा पैसेज होता है राइट और पैसेज के लेफ्ट और राइट साइड में से किसी भी एक साइड पे क्या होता है रूम्स होते हैं क्लास रूम्स होते हैं तो ये पैसेज है आपने विजिट किया हो तो एक पूरा पैसेज होता है एंड बोथ द साइड देर आर लॉर्ड ऑफ रूम्स तो उसे क्या कहते हो आप कॉरिडोर तो यहाँ पर क्या बताया कि दिस कॉरिडोर वॉज मस्टी यानी इट वॉज अलिंग बहुत ज्यादा डार्कनेस हो यू you नो know, इतनी ज्यादा रोशनी ना हो उसे कहते हो ग्लूमी स्पेशली सो हे टू अपियर डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग यानी इस तरीके का अपियरेंस होता है इस होटल का जैसे यू नो सॉर्ट ऑफ देखो एक तो डार्कनेस है ठीक है ऊपर से कॉरिडोर है आई डोंट थिंक मेनी पीपल आर देयर इन द कॉरिडोर तो सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है यू यू नो नो थोड़ा थोड़ा थ्रेटनिंग सा थोड़ा फ्राइटनिंग सा फ्राइटनिंग व्यू है तो दिस इज व्हाट दिस इज द प्लेस वेयर ऑसिबल इज स्टे सो फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम तो फॉलोइंग हिम यानी यहां पर हिम है ऑसिबल तो फाउलर इज फॉलोइंग दिस मैन फाउलर फेल्ट लेट डाउन अब जब ये पूरा व्यू देखता है फाउलर तो उसको बहुत यू नो डिसंटमेंट होती है फेल्ट लेट डाउन मीन्स ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी ही इज़ लाइक कि उसके जो एक्सपेक्टेशंस थे समथिंग इज़ लाइक टोटली ऑपोजिट ऑफ वॉट ही वॉज एक्सपेक्टिंग इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द दिक्स एंड द टॉप फ्लोर एंड अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर अब यहाँ पर ये जो रूम है दिस कॉरिडोर और द पर्टिकुलर रूम जहाँ पर ऑसिबल रह रहे हैं वो कहाँ पर है इट इज देयर ऑन द सिक्स एंड द टॉप फ्लोर यानी होटल का जो टॉप मोस्ट फ्लोर है जो कि सिक्स फ्लोर है वहां पर रूम है किसका पॉसिबल का एंड दिस रूम इज ऑल्सो वॉट अ वेरी स्मॉल रूम एंड फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर स्केयरसली यानी बिल्कुल ना के बराबर तो यहाँ पर क्या लग रहा है उनको फाउलर को कि बिल्कुल भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही बिल्कुल ऐसा सेटअप नहीं लग रहा जहां पे उन्हें कुछ रोमांटिक एडवेंचर रोमांटिक मीन्स इमेजिनेटिव हैविंग अ फिंटेस्टिक व्यू ऑफ रियालिटी यानी बिल्कुल एक इमेजिनेशन है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू होता है ऑफ द रियालिटी तो ये जो फाउलर है ही इज अ राइटर ही इज अ रोमांटिक राइटर तो डेफिनेटली वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सीक्रेट एजेंट सुनने से ही क्या लगता है अगर सॉर्ट sort ऑफ of मैं आपको बोलूं कि वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ सीक्रेट एजेंट इन दिस स्टोरी तो डेफिनेटली क्या लगता है सबसे पहले कि कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा राइट right? कुछ एडवेंचरस होगा सेम चीज फाउलर वॉज एक्सपेक्टिंग बट फाउलर का क्या कहना है कि ये जो पूरा सेटिंग था डेफिनेटली इट वॉज नॉट एट ऑल अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर क्लियर ऑल राइट ऑसिबल फॉस फॉर वन थिंग फैट वेरी फैट अब यहां पर अपियरेंस की बात हो रही है कि ऑसिबल जो है बहुत ज्यादा फैट थे बहुत ज्यादा मोटे थे एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट और फिर जो है इनके एक्सेंट के बारे में बोलते हैं फाउलो एक्सेंट मीन जो टोन ऑफ वॉइस होती है राइट किस तरीके से आप बात करते हो फॉर एग्जाम्पल पीपल स्पीकिंग ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश आर डिफरेंट राइट है सेम इंग्लिश है बट एक जो एक्सेंट होता है जो टोन ऑफ वॉइस होती है उसे समझा जाता है तो सेम चीज यहाँ ऑसिबल का जो एक्सेंट है वो भी बहुत डिफरेंट था दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो यहाँ फाइलो फाउलर बता रहे हैं कि ये जो ऑसिबल है वो फ्रेंच और जर्मन जो है पैसिबली यानी कि जस्ट वेल इनफ टॉलरेबली तौलर, वेल यानी कि ठीक ठाक ज्यादा अच्छा नहीं बट काम चलाओ बोलते हो ना जिसको

तो यहाँ क्या बात हो रही है कि जो फ्रेंच और जर्मन है ही स्पोक स्पोकली वेल बट ही ही डिड नॉट नॉट यू नो हैड लॉस्ट हिज अमेरिकन एक्सेंट वाई वी आर रीडिंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज आंसर में आपको ये सब मैंशन करना पड़ेगा टू यू नो इन द आंसर की डेफिनेटली ये जो है बहुत डिफरेंट थे फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेस क्लियर ऑल राइट यू आर डिसअपॉइंटेड डिसड पॉसिबल से शोल्डर तो यहां पर ऑसिबल जो है, है? You know, you know, एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं अभी तक और वो जो है थोड़ा लेट डाउन फील कर रहा है टू ब्रीथ विदिंग साउंड एंड विध डिफिकल्टी कुछ लोग होते हैं यू you नो know, कि कुछ ब्रीदिंग करते हुए बिल्कुल एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं देन दे स्पीक

रोमांटिक और यहाँ ऑसिबल बोलते हैं कि तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे यानी फाउलर यू नो वॉन्टेड टू मीट ऑसिबल बिकॉज ही इज अ राइटर एंड वॉट काइंड ऑफ अ राइटर ही इज ही इज यंग एंड रोमांटिक राइटर यानी कि यू नो ही उनकी एज जो है नॉर्मल है और वो एक रोमांटिक राइटर है यानी द वन जो कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज को कुकअप करते हैं इमेजिनेशन यू नो उनका बहुत अच्छा होता है एंड देन ही जस्ट राइट्स डाउन द स्टोरीज

फाउलर ने ऐसा ऑसिबल उनको कहते हैं कि यू विल सी मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट यानी कि कुछ ऐसा लगेगा जो यू नो एक्सपेक्टेड नहीं है बहुत रहस्यमयी टाइप के फिगर्स दिखेंगे और you know, की साउंड सुनाई देंगे you know, जिसमें होंगे। तो ये सारी चीजें ऑसिबल बोलते हैं कि फाउलर बीन एक्सपेक्टिंग बिकॉज ही वॉज मीटिंग क्लियर ऑल राइट Instead, instead you have spent a a a dull evening in a French music hall with a fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, बट जो तुम्हारा इमेजिनेशन था जो तुम सोच रहे थे पिक्चर थी तुम्हारे दिमाग में उससे बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है क्या हुआ है यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग तुमने बहुत ही यूनो डल सी बोरिंग सी इवनिंग स्पेंड की है कहाँ पर In a French music hall with a slopey fat mat.

ज ऑपोजिट राइट तो ऑसिबल बोलते हैं कि बल्कि तुमने एक यू नो बोरिंग सी इवनिंग स्पेंड की है विद अ फैट मैन हुयरलेसली ड्रेस इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इन टू हिज हैंड बाई डार्क आइड ब्यूटीज नॉर्मली क्या दिखता है हमको सीक्रेट एजेंट्स की मूवीज का अगर हम सोचें तो अगर इनको कोई मैसेजेस यानी कुछ यू नो मैसेज ट्रांसफर करना होता है किसी और को टू दिस सीक्रेट एजेंट तो वो क्या करते हैं कोई ब्यूटीफुल सी यू नो वीमेन आती है और वो आके मैसेज इनको देखे जाती है तो यहाँ ऑसिबल बोलते हैं कि तुम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हो नो you know, कि मुझे आके यू you नो know, कोई ब्यूटीफुल सी लेडी या ब्यूटीफुल वुमेन वुड कम और वो मुझे मैसेजेस देंगी ऑसिबल को मैसेजेस कैसे मिलते हैं ही गेट्स अ प्रोसेप्ट टेलीफोन कॉल प्रोसेप्टीन्स ऑर्डिनरी यानी आमतौर पर नॉर्मली किसी को यू नो कॉल करके मैसेजेस आते हैं वैसे ही इस सीक्रेट एजेंट यानी ऑसिबल को एक कॉल आता है and he gets his मैसेज मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम यानी वो अपने रूम में ही उन्होंने कॉल रिसीव करते हैं एंड ही गेट्स द अपॉइंटमेंट फिक्स्ड, बट नॉर्मली सीक्रेट एजेंट का क्या होता है दे गेट यू नो द मैसेजेस ट्रांसफर्ड बाय ब्यूटिफुल लेडीज

बिगनिंग में कि विल और सिविल बी एबल टू तो आउट विट तो अभी तक तो यही लग रहा है कि ऐसी कोई क्वालिटी है नहीं सीक्रेट एजेंट की तो वी डोंट थिंक कि और सिविल विल बी एबल टू यू नो आउट विट मैथ्स क्लियर ऑल राइट The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अब यही सब बातें करते हुए ना कॉरिडोर में ये लोग बातें कर रहे थे तो ये सब बातें करते हुए ऑसिबल जो है वो चकल करता है चकल मीन लाव क्वाइटली विदाउट ओपनिंग हिज माउथ यानी बिना मुंह खोले या बिल्कुल अपने थ्रोट से या गले से हंसने की आवाज निकालना तो ये बोलते हुए ऑसिबल जो है खुद ही पे ऐसे हंसने लगता है एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड फाइनली दे है ऑसिबल स्टे कर रहे हैं स्टूड असाइट टू लेट हिस्स फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर यानी वो डोर अनलॉक करते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं ताकि उनका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट यानी कौन है भाई फाउलर जो है वो एंटर हो पाए यू आर डिसूजन पॉसिबल टोल्ड है Disappointed in someone or something that one discovers to be less good than one had believed। यानी जैसा यू you know हम expect कर रहे हैं या हमको लगता था ऐसा होगा उससे बिल्कुल ही opposite कुछ हो जाए और हम जो है बहुत let down या disappointed feel करें उसे कहेंगे डिस इल्यूज तो यहाँ ऑसिबल बोलते हैं कि तुम disillusioned हो रहे हो यानी कि तुम्हें जो है जो ये डिसअपॉइंटमेंट हो रही है या तुमको जो है सब चीज़ें उल्टी दिख रही हैं, जैसे तुमने एक्सपेक्ट की थी तो वैसा कुछ रिएक्शन दिख रहा है मुझे तुम्हारा बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड बट ऑसिबल जो है वो बोलते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए माई यंग फ्रेंड क्यों प्रजेंटली यू विल सी अ पेपर अक्वाइर्ड इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विथ सेवरल मैन एंड वेमेन है ऑसिबल बोलते हैं कि तुम्हें खुश जाना चाहिए क्योंकि अब तुम्हें एक पेपर दिखने वाला है एक रिपोर्ट दिखने वाली है जिसके लिए यू नो सेवरल मैन एंड वेमेन हैव रिस्क देयर लाइफ यानी बहुत से मैन एंड वुमेन ने अपनी लाइफ या फिर बोल सकते हो देव लॉस्ट देर लाइफ जस्ट टू गेट दिस

फाउलर जिस चीज के लिए वेट कर रहा था किस चीज के लिए वेट कर रहे थे वो एक थ्रिल एक एडवेंचरस यू नो सि लगे हाँ सीक्रेट एजेंट एंड दिस इज द राइट मोमेंट वेन ही एक्सपीरियंसिस हिज फर्स्ट ओथेंटिक ओथेंटिक का मतलब ऑफ अनडिस्प्यूटेड ओरिजिन एंड नॉट अ कॉपी इट मीन्स अ जेन्यन यानी कि बिल्कुल रियल सा एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस थ्रिल मीन्स एडवेंचरस

कैसे पता चल रहा है बिकॉज वी कैन सी कि दीज टू पीपल आर स्टैंडिंग नियर द डोर और ऑसिबल और फाउलर ही हैं जो अभी डोर क्लोज कर रहे हैं राइट right? अब इन दोनों के बीच में दिस इज द मैन हु इज फैट एंड ही इज वॉट ही इज द सीक्रेट एजेंट ठीक है पॉसिबल एंड दिस पर्सन इज द फाउलर जो कि कौन है राइटर और सामने इक्वी डिस्टेंट या हाफे का मतलब क्या हो रहा है कि बिल्कुल उतने ही डिस्टेंस पे दोनों के बीच में बिल्कुल एक यू नो प्रॉपर डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस है और इसी डिस्टेंस पे कौन खड़ा हुआ है एक मैन स्टैंडिंग हु इज यू नो टेकिंग द गन इन इज हैंड एंड इज पॉइंटिंग द गन टूवर्ड्स दै तो ये जो सीन है वो जैसे ही देखते हैं कौन फाउलर ही इज डेफिनेटली यू नो वेरी एक्साइटेड कह सकते हो मे बी एंड ही एक्सपीरियंस द फर्स्ट फ्यू टाइम्स ब्लिंग करना क्या होता है क्लोज एंड ओपन द आईज यानी जब हम अपनी आंखें यू नो ऐसे झपकाते हैं वेन वी सी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या हम यू you नो know, ऐसा बोल सकते हो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छा हम सच में ये देख रहे हैं कि नहीं तो हम क्या करते हैं वी ब्लिंक आर आईज यानी पलक झपकाते हैं द सेम थिंग विद ऑसिबल ही इज लाइक ब्लिंकिंग हिज आईज की डेफिनेटली क्या वो उसी पर्सन को देख पा रहे हैं मैक्स ही क्वाइट अट नाउ हु मैन हु खड़े हुए थे विथ पिस्टल और गन इन हिज हैंड तो मैक्स इज दर्सन इज देयर इन देर रूम हि वीज यू गेव मी क्वाइट अटार्ट ही कौन है भाई ही है ऑसिबल हमें पता है ऑसिबल यू नो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हुए यानी ब्रीथ करते हुए एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं देन ही स्पीक्स राइट सेम थिंग हैपन राइट नाउ उन्होंने अगेन यू नो ही प्रोड्यूस दैट साउंड ही वीज्ड वीज्ड मींस स्पोक ब्रीथिंग नॉइजली एंड हैवीली एंड ही सेड टू मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट का मतलब कि आई एम सरप्राइज थोड़ी देर के लिए मैं शॉक्ड हूँ कि तुम ही मेरे सामने खड़े हो आई थॉट यू वर इन बोले और को क्यों लगता यू नो व्हाई ही सरप्राइज टू सी मैक्स इन इज रूम क्योंकि उनको लग रहा था कि मैक्स जो है वो कहाँ होंगे बर्लिन में होंगे वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम एंड देन ही इंक्वायर्स और सिबिल इंक्वायर्स फ्रॉम मैक्स कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो लेट सी वाई इज देयर इन हिज रूम Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance

टॉल और यू you नो know, बिल्कुल टॉल पर्सन जो होते हैं हो, उससे थोड़ी सी ही उसकी हाइट कम थी विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइड द क्राफ्टी क्राफ्टी मीन जो कनिंग होते हैं जो बहुत क्लेवर होते हैं जिसको यू you नो know, कोई भी काम करने में दिमाग से वो कोई भी काम कर सकता है क्लियर तो यहाँ पर वही चीज दिख रही है कि ये जो मैक्स है द अदर पर्सन हु वाज देयर इन रूम ऑफ वो जो है लिटिल लेस देन टॉल है स्पलेंडर है यानी परफेक्ट बॉडी है एंड ही हैड यू नो द फेशियल एक्सप्रेशंस उसके जो uh, बोल सकते है, features, जो, you know, हैं फीचर्स जो यू नो नाक नक्शा बोलते हो आप वो इस तरीके का था कि ही लुक लाइक अ पर्सन हु इज क्राफ्टी हु इज वेरी क्लेवर पॉइंटेड काउंटनेस ऑफ अ फॉक्स काउंटनेस का मतलब और जो एक्सप्रेशंस है वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि यू नो एक बारे में हम जब भी स्टोरीज पढ़ते आए अभी तक तो एक यू नो क्लेवरनेस की बात होती है वेरी क्लेवर तो सॉर्ट ऑफ वैसे ही एक्सप्रेशन दिख रहे थे किसके मैथ्स के यानी मैथ्स डेफिनेटली लुक लाइक अ पर्सन हु इज वेरी क्लेवर हु इज वेरी कनेक्ट There was about him aside from the gun nothing specially menacing और यहाँ पर वही चीज़ बोलते हैं फाउलर कि you know उनकी जो personality थी किसकी मैक्स की वो ऐसा कुछ नहीं था कि यू you नो know, डर लगे मिनासिंग मीन समथिंग विच इज थ्रेटनिंग जिससे आपको डर लगे एक्सेप्ट हिज गन यानी नॉर्मली अगर आप यू you नो know, ऐसे पर्सन को देख लो तो आपको डर नहीं लगेगा ही हैड सच काइंड ऑफ बट जो हाथ में गन थी उसके अलावा और कुछ भी नहीं लग रहा था यू नो विच वॉज मिनासिंग और थ्रेटनिंग बट डेफिनेटली दैट गन समथिंग अ सोर्स ऑफ यू नो बोल सकते हो डर का एक सोर्स था वो दैट वॉज समथिंग विच वॉज थ्रेटनिंग फॉर फाउलर आई गैस बिकॉज यहाँ पर सीक्रेट एजेंट की बात हो रही है ऑसिबल की तो डेफिनेटली उनको आदत होगी यू नो ऐसे लोगों को देखने की बट फॉर फाउलर दिस वाज समथिंग विच वाज डेफिनेटली मिनासिव क्लियर ऑल राइट द रिपोर्ट ही मोमड द रिपोर्ट दैर इज बींग ब्रॉड टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स अब यहाँ पर वो पूछते हैं ना यू नो ऑसिबल की तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो तो यहां पर ये जो मैक्स है ही मोमट मोमट मतलब बहुत धीरे से बोलना तो ही सेंड द रिपोर्ट यानी वो जो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जिसके बारे में ऑसिबल वो स्टॉकिंग टू तो फाउलर उन्हीं पेपर्स के लिए मैक्स हैज एंटर्ड इन द रूम

देन इन योर तो यहाँ मैथ्स जो है वो ये बोलते हैं कि मुझे लगता है मुझे वो रिपोर्ट तुमसे लेनी नहीं चाहिए बिकॉज वो रिपोर्ट मेरे हाथों में या मेरे पास ज्यादा सेफ रहेंगी एज कम्पेयर टू यू यानी यहाँ पर शॉर्ट ऑफ बोल सकते हो एक यू नो सरकैटिकली वो बोलते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो मुझे दे दो बिकॉज वो रिपोर्ट मुझे लगता है मेरे पास ज्यादा यू नो सेफ रहेंगी या मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी एज कम्पेयर टू यू क्लियर ऑल राइट अब जैसे ही वो 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 रिपोर्ट की बात करते हैं, तो वो जाते हैं वो जाते हैं. तो जाते जाते एक आर्म आर्म चेयर चेयर बैठ यानी कि जिस चेयर पे आप बैठो और आपको अपने आर्म्स रेस्ट करने के लिए एक स्पेस हो यू कैन आर्म्स ऑन बोथ चेयर तो ऑसिबल जो है वो अपने रूम में जो एक आर्म चेयर रखी है उस पर जाके बैठ जाते हैं बिल्कुल you know, जोर से जाके वो बैठते हैं आई एम गोइंग टू रेज द डेबल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट अब ऑसिबल जो है वो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं नाउ आई एम गोइंग टू रेज द डेबल रेज द डेवल मीन्स मेक अ नॉइजी डिस्टर्बेंस या फिर कह सकते हो कंप्लेन करना टू मेक अ कंप्लेन तो यहां पर ऑसिबल बोलते हैं कि मैं इस बार होटल मैनेजमेंट से बहुत यू you नो know, बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लेन करने वाला हूं एंड यू कैन बेट ऑन इट और डेफिनेटली इस बार यू नो तुम मुझसे शर्ट लगा सकते हो यू कैन बेट ऑन इट कि मैं इस बार यू नो मैनेजमेंट को नहीं छोड़ूंगा आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कंप्लेन टू दैम ही सेड ग्रिमली ग्रिमली मीन्स इन अ वेरी सीरियस ग्लूमिंग और डिप्रेसिंग मैनर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यू नो ग्रिमली का मतलब है बहुत सीरियस मैनर में यानी यहाँ ऑसिबल को आप इमेजिन कर सकते हो सरिंग और एन नाम चेयर और वहां पर वो बहुत ही यू नो सीरियस बिल्कुल एक्सप्रेशन के साथ गुस्से में बोलते हैं कि मैं इस बार कंप्लेन करने वाला हूँ टू द होटल मैनेजमेंट किस रीड अबाउट इट दिस इज द सेकेंड टाइम इन मंथ दैट हैज़ इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी तो यहाँ पर ऑसिबल जो है वो क्यों बोल रहे थे बाहर की एक स्पेस होती है बालकनी हम सबको पता है तो उस बालकनी के थ्रू ये सेकेंड टाइम है कि कोई मेरे रूम में एंटर कर रहा है यानी मैथ जो है वो डेफिनेटली बालकनी से एंटर हुआ होगा ऐसा ऑसेबिल का कहना है

तो जब वो सुनते हैं यू you नो know, कि when osible says कि कोई उस बालकनी के थ्रू सेकंड टाइम एंटर करा है मेरे रूम में तो ही tries to see कि वही मुझे वो बालकनी दिख जाए तो वो कहाँ पे देखते हैं his eyes went to the single window of the room पूरे रूम में एक ही विंडो था एक ही खिड़की थी और उस पे ध्यान जाता है किसका फाउलर का ऑलराइट इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट व्हिच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली और ये जो विंडो है बहुत ऑर्डनरी सी विंडो थी जैसे कि नॉर्मली एक विंडो होती है किसी भी रूम में और अगेंस्ट इट द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर बहुत ज्यादा डार्कनेस थी बहुत ज्यादा अंधेरा था एज वी ऑलरेडी नो कि द मिड नाइट विजिटर की बात हो रही है मिड नाइट मतलब जब रात के बारह बजते हैं ठीक है तो यहाँ पर डेफिनेटली इतनी रात हो रही है तो बहुत ज्यादा अंधेरा होगा बाहर और वही फाउलर इज यू नो एबल टू ऑब्जर्व बाल्कनी मैक्स सेड विथ राइजिंग इनफ्लेक्शन अब जब मैक्स सुनते हैं कि यू नो पॉसिबल बोल रहे हैं कि उस बालकनी के थ्रू ही तुम एंटर हुए हो गए तो वो जो है सॉर्ट ऑफ पूछते हैं कि बाल्कनी इनफ्लेक्शन मीन्स अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड टिपिकली टू एक्सप्रेस अ ग्रामेटिकल फंक्शन और एट्रीब्यूट सच एस टेंस मूड पर्सन नंबर निस इज दॉर्मल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जब आप यू नो वर्ड को थोड़ा मोडिफाई करके बोलते हो टू जस्ट शो वॉट यू आर थिंकिंग यानी यहाँ पर वो मे भी शॉक्ड है कि वो बालकनी से तो आए नहीं है तो ही इज लाइक से बालकनी सो दिस इज द वे विद यू नो यू आर एक्सप्रेसिंग यूर मूड कि तुम क्या बताना चाह रहे हो यू आर टेंड और यू आर लाइक सरप्राइज सो दैट इज वॉट इन्फ्लेक्शन मीन्स तो यहाँ पर ये जो मैक्स हैं वेन ही

मास्टर की यानी कि एक यू नो आप नकली चाबी बन जाती है ऐसी कोई चाबी जिससे सारे ताले खुल जाते हैं ही इज इज मैक्स अ पर्सन जिसके पास गन है ही इज ऑल्सो सीक्रेट एजेंट तो डेफिनेटली ही नोज द वे एंड मीन्स टू गेट इन टू एनी प्लेस राइट सेम चीज यहां हो रही है मैक्स जो है वो बोलते हैं कि मेरे पास सुबह तो एक मास्टर की एक पास की है मैं उससे एंटर हुआ हूँ मुझे तो पता ही नहीं था कि यू नो एक बालकनी है जिसके थ्रू मैं तुम्हारे रूम में एंटर हो सकता हूँ

इट्स नॉट माई बालकनी अब यहाँ पर ऑसिबल से वो मेरी बालकनी नहीं है यू नो मैक्स ने बोला ना मैं तुम्हारी बालकनी से एंटर हो जाता हूँ तो यहां ऑसिबल बोलते हैं इट्स नॉट माई बालकनी नो वॉट डज बालकनी मीन लेट्स रीडिनेशन प्लेटफॉर्म इनक्लोज बाय और बेलस्ट्रीट ऑन द आउट साइड ऑफ अ बिल्डिंग विथ एक्सेस फ्रॉम एन अपर फ्लोर विंडो और डोर घर के बाहर एक यू नो स्पेस बनी होती है जिसे हम बालकनी कहते हैं वी ऑलरेडी नो अबाउट एट की बालकनी क्या होती है right? राइट तो वो यहाँ पर ऑसिबल बोलते हैं कि वो मेरी बाल्कनी नहीं है ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन इट बिलोंग्स टू तो द नेक्स्ट अपार्टमेंट अब इस चीज को यू नो बहुत ही इरिटेशन के साथ बोलते हैं क्योंकि एक चीज तो उनके रूम में सेकेंड टाइम कोई एंटर हुआ है ऐसे राइट दूसरी बात वो उनकी बालकनी नहीं है तो वो जो है बड़ी ही इरिटेटेड बिल्कुल टोन ऑफ वॉइस में बोलते हैं कि ये मेरी बालकनी नहीं है दिस बालकनी बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट यानी कि मेरे रूम से जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है नेक्स्ट बिल्डिंग है ये बालकनी वहां की है मेरे रूम की नहीं है और राइट ग्लैंसड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर फिर यहाँ पर यू नो ऑसिबल जो है एक बिल्कुल ग्लैंड uh, मीन एक क्विक व्यू देना रही एकदम से जल्दी से देख लेना टेक अ ब्रीफ ऑफ हरीड लुक बहुत जल् से फा की तरफ वो देखते हैं एक्सप्लेनेटरीली यानी सर्विंग टू एक्सप्लेन जैसे सॉर्ड ऑफ यू नो अगर मैं कोई क्वेश्चन रीड कर रही हूँ आपके सामने कोई आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं तो द वे आई विल हैव द एक्सप्रेशन ऑन माई फेस इट विल लुक लाइक मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ राइट द सेम थिंग है कि ऑसिबल हैड एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं सॉर्ड ऑफ यू नो वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं किसी चीज को तो ही हरीड लुक एट फाउलर You see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room.

एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देर यूज टू बी दिविंग रूम और इस रूम में एक डोर है तो वो घर पे दिखाते हैं क्या होता था एक लिविंग रूम हुआ करता था इट है बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो ना और ये जो नेक्स्ट रूम है जैसे लिविंग रूम बोला गया है उसमें एक बालकनी थी उस रूम के बाहर क्या थी एक बालकनी और वो बालकनी जो एक्सटेंड यानी कि वो कहाँ तक जाती है इनके विंडो के नीचे तक

को, मुझे टाइम you know, बचा है, तो है एकदम से बोलते हैं थर्टी मिनट्स नहीं हाफ एन आवर नहीं टोटल थर्टी वन मिनट का यू नो डन बचा है रिपोर्ट टू अराव

कैसे चला द लिटिली एंड वर्ड एक्सप्रेशन जो कि कुछ गड़बड़ होती है ना कि कुछ तो रॉन्ग वे या रोंग इंटेंशन चल रहा है दिमाग में वैसी स्माइल उनके फेस पे थी इविली मीन्स मॉरली रॉन्ग और बैड but no and we wish we knew how your people got the report and max says ki kaash hame bhi pata hota ki tumhare logo ko ya ausibal ke jo log hain unko report ke bare mein pata kaise chala ya unko report kaise mil gayi we know ausibal ko tonight you know is going to get the report it means his people only have the report right now ठीक है तो Max भी ये बोलते हैं काश मुझे भी पता होता या हमें पता होता कि तुम्हारे लोगों के पास report कैसे आई But no harm has been done. I'll get it back.

Fowler jumped at at the 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 sudden knocking at the door. just smile. That will be the police, he said. गन है दो सीक्रेट एजेंट्स के बीच में रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है एक बिल्कुल एडवेंचरस मोमेंट है, थ्रिल है सामने गन है राइट तो एकदम से इन चीजों के बीच में एक सडन नॉकिंग uh, होती है एट द डोर सो ही जस्ट जब्स देन ऑसिबल टेल्स दैट विल बी पुलिस ही सेड और ये बिल्कुल स्माइलिंग एक्सप्रेशन के साथ ऑसिबल बोलते हैं कि वो जो है पुलिस होगी यानी डोर जो नॉक कर रहे हैं वो कौन है वो पुलिस ऑफिसर्स है

आई टोल्ड टू चेक ऑन मी टू मेक एवरी थिंगल बोलते हैं इसीलिए मैंने पुलिस ऑफिसर्स को बोल दिया था कि यू नो यू कैन जस्ट कम एंड चेक ऑन मी यानी आप आके एक बार देख सकते हो कि वेदर आई एम ऑल राइट वेदर द रिपोर्ट इज ऑल राइट या फिर यू नो सारी सिचुएशन ठीक ठाक है या नहीं मैथ्स बिट इज लिप नर्वसली डेफिनेटली मैथ्स इज द वन जो की रिपोर्ट चाहता है एंड जो पुलिस है वो किसने बुलाई है ऑसिबल ने राइट एंड वी ऑल्सो नो इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा है विच इज गोइंग टू यू न्यू विच मे अफेक्ट हिस्ट्री। तो यहाँ पर ये जो पेपर्स हैं, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द होल कंट्री तो यहाँ पर ऑसिबल ने पुलिस को बुलाया है एंड इफ द पुलिस गेट्स टू नो कि मैक्स ऑल्सो कम्ड टू गेट दो मैक्स को वो अरेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पर मैक्स बिट इज लिप नर्वसली बिकॉज ही वॉज फ्राइट दैट पुलिस इज देयर एट द द नॉकिंग वॉज रिपीटेड और अब बार बार यू नो डोर को नॉक किया जा रहा था वॉट विल यू डू नाव मैथ ऑसिबल आस्ट और ऑसिबल जो है पूछते हैं अब तुम क्या करोगे क्योंकि पुलिस है डोर पे एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ ऑसिबल तो अब तुम क्या कर लोगे इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे द डोर इज अनलॉकड तो ऑसिबल बोलते हैं अगर मैं जाके दरवाजा खोलता भी नहीं हूं अगर मैं खुद जाता नहीं हूँ यू नो डोर ओपन करने तो भी पुलिस जो है एनी anyway, वे एंटर कर ही जाएगी बिकॉज द डोर इज अनलॉक वी नो की वो डोर जो है सिर्फ पीछे से बंद ही करते हैं डोर राइट तो, uh, you know, uh, right? तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि डोर जो है वो अनलॉकड है और पुलिस जो है थोड़ी देर तक नॉक करेगी और जैसे ही कोई आंसर नहीं करेगा तो दे बी लाइक समथिंग सस्पिशियस इज देर समथिंग इज रॉन्ग इन साइड द रूम तो वो तो डेफिनेटली एंटर कर ही लेंगे एंड दे विल नॉट हैजिटेट टू शूट और ऑसिबल बोलते हैं मैथ्स को और उनको थोड़ी भी यू नो हेजिटेशन नहीं होगी हिचकिचाहट नहीं होगी टू बी रिलेक्टेंट और वेट टू एक्ट बिकॉज ऑफ फीयर इन डिसीजन और डिसइंक्लीनेशन यानी सॉर्ट ऑफ यू नो डर के मारे या फिर कुछ आ, सोचते हुए अगर हम एक स्टेप बैक ले लेते हैं हम कुछ चीज़ करने के बारे में सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए उसे क्या कहते हो हेजिटेट करना हिचकिचाना राइट right? तो यहाँ पर ऑसिबल बोलते हैं कि पुलिस जो है वो हेजिटेट भी नहीं करेगी टू शूट यानी मैक्स के पास अब कोई रास्ता है नहीं पुलिस इज एनी रूम एंड दे विल डेफिनेटली शूट मैक्स मैक्स फेस एंडली ब्लैक विद एंग एज ही बैग स्विफ्टली टू वर्ड्स द विंडो अब यहाँ पे बोलते हैं ये जो मैक्स है उसका जो फेस है वो कैसा हो गया था ब्लैक विथ एंग यानी वो बहुत गुस्से में आ चुका था

चांसेज और मैथ्स बोलते हैं या तो तुम पुलिस को वापस भेज दो या फिर मैं रिस्क लूंगा टेक माई चांसेसर द रेस्ट और मैं जो हूं शूट करना स्टार्ट कर दूंगा द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाव डर वॉइस ऑसिबल मिस ऑसिबल और अब जो है नॉकिंग बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगी द साउंड वॉज यू नो इनक्रीजिंग यानी बार बार द पर्सन आउटसाइडसाइड वॉज नॉकिंग एट द डोर और अब जो है वो पूछने भी लगे इंक्वायर भी करने लगे मिस ऑसिबल मिस्ट ऑसिबल बोल बोल के

स्पेस एट द बॉटम ऑफ द विंडो एस वी कैन सी इन बोथ पिक्चर्स ये जो स्पेस है विंडो के बाहर दिस सर्फेस दिस इज नोन एज विंडो सिल तो उसने अपना दूसरा लेग भी अब विंडो सिल इट मीन नाउ इज रेडी कि मैं बालकनी में जाके अब हाइड करूंगा ऑल राइट द डोर नॉब टर्न और अब नॉकिंग नहीं हो रही थी अब डोर नॉब जो है यानी अब डोर जो है वो ओपन होने वाला है एंड देखो सी इट

और जैसे ही वो बाहर, you know, बाहर ड्रॉप करते हैं जम्प करते हैं श्रीली मीन पियरसिंगली बहुत तेज आवाज में हम स्क्रीम करें या चिल्लाए उसे कहते हैं श्रीली तो यहां पर मैथ्स जो है जैसे ही विंडो सिल के बाहर जम्प करते हैं वो बहुत जोर से यूनो you know, चिल्लाते हैं

सेट एंड सेट द टेबल तो वेटर बोलते हैं ऑसिबल को कि यह वो ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर की थी जब आप वापस आए थे और वो ट्रे जो है टेबल पे रख देता है डेफली अनकॉकड द बॉटल नाउ वी नो यू नो बॉटल में एक कॉक होता है उसको

There were no देर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड ओनलीनरी हुई एक्सपेक्टेड तो यहाँ पर ऑसिबल बोलते हैं कि भाई बाहर कोई पुलिस थी नहीं यानी ऑसिबल ने झूठ बोला था कि बाहर कोई पुलिस है तो ही साइड मीन्स टू लेट आउट वन ब्रेथ ऑर्डबली एस फ्रॉम सोरो पर एक शॉर्ट ऑफ हम जब ऐसा करते हैं ना इस टाइप की जो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है तो उस तरीके से बोलते हैं कि कोई पुलिस थी ही नहीं ओनली हेनरी हुई एक्सपेक्टिंग और सिर्फ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हेनरी होगा बाहर उसके अलावा मेरे को भी पता था कि कोई और नहीं आएगा बट वोट दैट मैन ऑड ऑन द बाल्कनी फाउलर बिग्न तो फाउलर बोलते हैं पर वो जो आदमी बाहर बालकनी में वेट कर रहा है उसका क्या नो सैर ऑसिबल वि पॉसिबल बोलते हैं बट वो कभी भी अब वापस नहीं आएगा यानी मैथ जो है वो कभी भी रिटर्न नहीं करेगा ऐसा क्यों यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज नो बाल्कनी क्योंकि कोई बालकनी बाहर थी ही नहीं तो यहां पर जब हम यू you नो know, ये चीज अगर नोटिस करते हैं द प्रीवियस पैराग्राफ कि यहां बोला गया है कि स्क्रीम्ड वंस इसका मतलब क्या हुआ यानी कि ही फेल डाउन ऑफ द विंडो सिल कोई बालकनी थी नहीं और एक ही बार उसने चिल्लाया उसके बाद कोई आवाज नहीं आई इसका मतलब ही इज नो मोर ही फेल फ्रॉम द फ्लोर ऑन द ग्राउंड यानी ही लॉस्ट हिज लाइफ तो यहाँ पर ये जो वंस की बात हुई है ना दिस ऑल्सो प्रूव की कोई बालकनी नहीं थी और उसने सिर्फ एक ही बार चिल्लाया इसका मतलब आफ्टर दैट ही वॉज नॉट एबल टू स्क्रीम बिकॉज ही इज नो मोर ही लॉस्ट हिज लाइफ क्लियर ऑल राइट तो यहाँ पर यू नो ऑसिबल फिर बोलते हैं फाउलर को देर वॉज नो बालकनी यानी पुलिस की भी स्टोरी कुक की थी किसने ऑसिबल ने और बालकनी की भी स्टोरी कुकअप की थी किसने ऑसिबल ने यानी ऑसिबल वॉज लाइंग थ्रू आउट द स्टोरी और वो मैक्स को मे भी उनको पता था कि मैक्स यू you नो know, पुलिस की बात सुनकर बालकनी की यू you नो know, स्टोरी सुनकर कन्विंस हो जाएगा एंड ही डेफिनेटली यू नो बी बोल सकते हो वो भागेगा पुलिस से राइट बिकॉज ही वॉज अ सीक्रेट एजेंट और जो कि रिपोर्ट जो है अगर उसको मिल जाती तो दिस वुड हैव बीन अ थ्रेट फॉर होल कंट्री राइट तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ अगर पुलिस आएगी तो द पुलिस विल डेफिनेटली शूट मी तो यहाँ फाउलर जो है फाउलर वॉज एबल टू सी कि हाउ ऑसिबल यूज हिज माइंड टू आउटविट हिज एनिमी हु इज मैक्स क्लियर ऑन

लगता है कि मैक्स जो है वो डेफिनेटली क्या है बेटर या फिर बोल सकते हो एक सीक्रेट एजेंट है एज कंपेयर टू ओसिबल बट वी ऑल नो कि अपीयरेंसेस कैन बी मिसलीडिंग कैन बी डिसेप्टिव हमें जो है कोई जैसा दिखता है जरूरी नहीं है वो वैसा ही हो राइट right? जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि उस इंसान का प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है स्मार्ट इनफ और नॉट वो क्लेवर है कि नहीं हाउट इन सिचुएशन तब तक हमें कुछ भी you know, फॉर्म कर लेना चाहिए कि दिस पर्सन इज नॉट हाउ वी एक्सपेक्टेड राइट जैसे फाउलर जो है वो डेफिनेटली डिस इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी बिकॉज ही वैसा कुछ भी यू you नो know, सेम नहीं था किसमें ऑसिबल में बट वेन ही सॉ हाउ क्लेवली ऑसिबल वॉज एबल टू आउट विट हिज एनिमी किस तरीके से यू नो सक्सेसफुली वो अपने एनिमी से यू नो ही गॉट रिड ऑफ हिम जस्ट बाय यूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें पता ऑसिबल के पास ना कोई गन थी ना पिस्टल थी ना ही कोई फाइट हुई स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि हमें लगता है यू you नो know, कि फाइट वगैरह या पिस्टल या गन या धमकी देकर कुछ यू you नो know, वो कर सकते थे अपनी एनिमी को हरा सकते थे बट उन्होंने क्या किया ही वॉज अ वेरी काम उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया ऑसिबिल ने एंड उसी वक्त इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना इतनी क्लेवरनेस होना कि उसी वक्त यू you नो know, दो स्टोरीज को फॉर्म करना एंड बोथ द कन्विंसिंग राइट क्योंकि मैक्स बिलीव्ड इट। सिमिलरली फाउलर ऑल्सो बिलीव फाउलर यू नो बार बार इंक्वायर कर रहे थे कि बालकनी का क्या हुआ पुलिस क्यों नहीं थी डोर पे राइट तो ऑसिबल वॉज एबल टू यू नो फॉर्म और इन्वेंट इनवेंट अटोरी विच वॉज एंड बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड ही वॉज एबल टू फोर्स मैक्स उसकी स्टोरीज ऑसिबल की स्टोरीज की वजह से यू नो मैक्स जो है वो इतने फोर्स हो गए थे कि ही थॉट भाई बाहर बालकनी है एंड डेफिनेटली डोर पे पुलिस है ही जम्प आउट ऑफ द विंडो विदाउट इवन यू नो हैविंग अ लुक आउटसाइड एटलीस्ट वो चाहता मैथ्स तो वो एटलीस्ट यू नो एक बार तो बाहर देख ही सकता था कि कोई बालकनी है भी या नहीं बट वॉट ही डिड ही वॉज फूलिश डेफिनेटली ही जम्पड आउट ऑफ द विंडो एंड लॉस्ट हिज लाइफ राइट तो वो जो कॉन्फिडेंस था ना वो कॉन्फिडेंस नहीं था मैथ्स का डेफिनेटली वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कि मुझे तो रिपोर्ट मिली जाएगी बिकॉज ही थाट कि उसके पास गन है यू you नो know, उसके पास वो पर्सनैलिटी है और अब यू नो ही कैन डू एनी थिंग

जो एक और चीज हमें सीखने को मिलती है इस चैप्टर से वो क्या है कि कभी भी कैसी भी सिचुएशन आए डू नॉट पैनिक डरो मत ट्राई टू फाइंड आउट द सल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल इफ यू फेस अ सिचुएशन जहाँ आपको लगता है यू नो नो आई डोंट व्हाट कैन बी हैपन नाउ या फिर मैं क्या करूँ जिसकी वजह से यू नो ये सिचुएशन सॉल्व हो तो इफ यू यू नो पैनिक या फिर आप टेंशन लेते हो आप बहुत ज्यादा बॉदर करने लगते हो ट्रबल सम हो जाती है सिचुएशन तो उसमें क्या होगा यू विल वेस्ट योर कंप्लीट एनर्जी इन पैनिकिंग बट ऑन दी अदर साइड अगर आप स्मार्ट इनफ हो वॉट यू कैन डू इज जैसे ऑसिबल जो है ही वॉज काम

Osabel then told Fowler that he had been thinking wrong and that soon he would be looking at a report that would change the country's

This was the first adventure of the day that Farlow was expecting when he had thought of meeting a secret agent. और ये जो complete you know situation है gun लेकर एक आदमी खड़ा हुआ है and he is like you know commanding to them कि भाई बैठ जाओ and I I'll just steal the reports and all. तो ये सब चीजें जो हैं वो Fowler के लिए क्या हैं first thrill of the day या first adventure of the day. वैल दे ऑसिबल स्टार्ट टाउ ग बालकनी लास्ट मंथ बिलो हिज रूम तो जैसे ही यू नो ऑसिबल को समझ आने लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा राइट तो वो एक स्टोरी कुकअप करते हैं और वो स्टोरी में इतना कन्विंसिंगली बताते हैं कि कोई भी मान जाए हम भी बिलीव कर चुके थे राइट तो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ ये जो बालकनी है इस रूम के बाहर वो बहुत ही ट्रेबल मेकर है क्योंकि उस बालकनी से लास्ट मंथ भी मेरे रूम में कोई एंटर हो गया था

तो यहाँ पे मैक्स क्या बोलते हैं भाई वो विंडो सिल के बाहर एक पैर को यू नो ही जस्ट कीप्स वन लेग आउट ऑफ द विंडो सिल एंड ही इज लाइक पॉइंटिंग द गन टुवर्ड्स दैम वॉन करते हैं कि भाई पुलिस को भेज दो यानी पुलिस को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ अदरवाइज मैं शूट करना स्टार्ट कर दूंगा और फिर कुछ भी हो आई वुड टेक द चांसेस यानी कि आई वुड टेक द रिस्क कि पुलिस मुझे शूट कर दे या फिर पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले आई एल नॉट माइंडेड और मैं जो मैं वार्निंग दे रहा हूँ जस्ट सेंड द पुलिस बैक As the door knob is turned, Max jumps out of the window and a loud scream is heard. और जैसे ही डोर नॉब खुलने लगता है मैक्स बहुत डर जाता है उसको क्या लगता है भाई बाहर बाल नहीं है तो मैं वहाँ छुप जाऊँगा तो वो जो है विंडो सिल के बाहर जंप करता है एंड फॉर वंस बहुत जोर से नो चीखने की आवाज़ आती है

He keeps the bottle, tray, and glasses on the table and leaves. Fowler asked about the police to Osable as he is surprised to see the waiter. Waiter, he keeps the tray, the bottle, the glasses on the table and he leaves. Clear? a Fowler is obviously shocked that what happened? Police expected thi, police to thi not So he inquires from Osable, what about the police you were talking about? Osable tells Fowler that there was

रिटर। फिर फाउलर को पुलिस की बात समझ जाता है वो फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है है फिर जो जो पर्सन यानी मैक्स वो जो बालकनी में हाइड करके बैठा है या छुप के भी अब वापस नहीं आएगा बिकॉज कोई बालकनी बाहर थी ही नहीं दिसकल्टेज ऑफ nervous due to which he jumped out of ही window. विदाउट थिंकिंग एंड लुकिंग डार्क तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखता है क्विक विट दिखता है क्विक यू नो क्लेवरनेस दिखती है किसकी ऑसिबिल की कि कैसे उसने पूरी सिचुएशन का सही यूज किया वो क्या हो सकता था यू you नो know, इस जगह पे और कोई होता तो वो यू नो नर्वस हो सकता था मे भी पैनिक कर सकता था और फिर कुछ दिमाग चलता नहीं राइट बट ऑसिबल ने क्या किया ही केप्ट हिज स्कूल एंड देन ही वॉज ट्राइंग टू यू नो थिंक एंड देन ही स्टोरीज विच कन्विंस्ड मैक्स और मैक्स वॉज सो फूलिश दैट ही डिड नॉट इवन इंक्वायर अबाउट द बालकनी वंस राइट तो एक बार भी नहीं देखना चाह कि बालकनी है भी या नहीं एंड ही जम्प आउट ऑफ द विंडो एंड अल्टीमेटली लॉस्ट हिज लाइफ This is how Osibyl outwitted Max and saved himself from a very dangerous situation. So, this is how you know Osibyl. ज डेफिनेटली अ सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट क्योंकि सीक्रेट एजेंट का मतलब क्या हुआ अ पर्सन हुईट सिर्फ इससे कुछ नहीं होता कि आप बिल्कुल अट्रेक्टिव से दिख रहे हो तो या सीक्रेट एजेंट हो आप यू नो गन वन कैरी कर रहे हो तो ही सीक्रेट एजेंट हो ब्यूटिफुल लेडीज आपके लिए मैसेज ला रहे हैं तो ही सीक्रेट एजेंट हो ऐसा कुछ नहीं है इफ यू हैव दिस इफ यू हैव ब्रेन इफ यू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड डेफिनेटली यू कैन डू एनी थिंग राइट सेम चीज यहाँ ऑसिबल के बारे में पता चलती है कि वेन बी रेड अबाउट इज अपियर आई वी थॉट दैट डेफिनेटली यू नो जो क्वेश्चन पूछा गया था इन द बिगनिंग हमें लग रहा था नो डेफिनेटली नॉट राइट बट वॉट है सीक्रेट एजेंट बिकॉज ही हैड दैट प्रेजेंस ऑफ अइंड टू आउटविट हिज एनिमी इन सच अ वे सो दिस इज हाउ ही सेव्ड हिमसेल्फॉलो अंडर रिपोर्ट फ्रॉम दिस डेंजरस सिचुएशन क्लियर ऑल राइट

अंडरस्टैंड द पर्सन ट्राई टू थिंक वो किसी भी सिचुएशन में कैसे यू you नो know, अपने आप को प्रेजेंट करता है हाउ ही यूजिज हिज माइंड हाउ ही इज एबल टू यू नो रिएक्ट इन अ डेंजरस सिचुएशन दैट इज हाउ यू शुड जज अ पर्सन नॉट बेस्ड ऑन हाउ ही लुक्स क्लियर एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको सीखने को मिलती है वो क्या है कि कोई भी सिचुएशन आए देर इज एनी डेंजरस सिचुएशन दैट कम्स इन टू योर लाइफ नेवर ट्राई टू पैनिक ऑलवेज ट्राई टू कीप योर कूल cool. हमेशा यू you नो know, काम रहने की कोशिश करो थोड़ा दिमाग ठंडा रखने की कोशिश करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द दोल्यूशन रादर देन जस्ट पैनिकिंग कि भाई अब क्या करेंगे क्लियर सो आई होप आपको ऑसिबल से सीखने के लिए बहुत सी चीजें मिलती हैं इन दिस स्टोरी नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वील ट्राई टू यू नो सॉल्व द एन सी आर टी क्वेश्चन विच हैव बीन आज इन योर बुक विथ रिलेटेड टू दिस चैप्टर सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय